पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करती हूँ। मौजूद सामीन, उस्ताज़ा इकराम और मेरे प्यारे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सदर, सरमाए हयात है सीरत रसूल की, सरमाए हयात है सीरत रसूल की, फला कायनात है सीरत रसूल की, बंजर दिलों को आपने सहराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सहराब कर दिया, एक चश्माए सिफात है सीरत रसूल की। जनाबे सदर, ये तो वो मौजू है जिसको बयां किया जाए, सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारी दुनिया के समुद्रों को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से लेकर आसमान तक खला के हर हिस्से को राख बना दिया जाए, तो फिर ये भी गुमान हो सकता है जमीन से लेकर आसमान तक खला का हर हिस्सा पुर हो जाए मगर सीरत मुस्तफा का एक पाप भी पूरा ना हो। हो गए जिंदगियां खत्म कलम टूट गए, हो गए जिंदगियां खत्म कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक पाप भी पूरा ना। जनाबे सदर, हजूर की आमद से पहले अरब में जहलत का दौर था, इंसानी कदरे नापैद थी, इंसानी तो सब अरूज पर था, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दुड़ाने पे झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज चलती थी तलवार उनमें, फिर रहमते खुदावंदी को जोश आता है इंसान को जुल्म और जबर से निकालने के लिए, इनके दुखों का मदावा करने के लिए, इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए रहमते दो जहां को रहमत लिल आलमीन बना कर भेजते हैं। साथ में फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, बेशक हमने तुम्हें तमाम जहनों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जनाबे सदर, रहमत लिल आलमीन के जानिसारों की तादाद सैकड़ों में थी मगर आपने कहीं कतल व गरज की कोई मिसाल कायम ना की। आपके दरवाजे पर अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, अली आए तो असदुल्लाह बन गए, खालिद आए तो सैफुल्लाह बन गए। जनाबे सदर, मेरे नबी सखावत में सबसे ज्यादा सखी थे, मेरे नबी सखावत में सबसे ज्यादा सखी थे, मेरे नबी जुलत में सबसे ज्यादा जवी थे, मेरे नबी बोलने में सबसे ज्यादा शफीक थे, वो हमेशा सच बोलने वालों का साथ देते थे, और जो कोई भी मेरे नबी को देखता था ना, और जो कोई भी मेरे नबी को देखता था ना, मरहूब हो जाता था। हुस्ने यूसुफ को देख कर कट गई थी उंगलियां, हुस्ने यूसुफ को देख कर कट गई थी उंगलियां, लाखों ने जान दे दी मेरे मुस्तफा के वास्ते, और एक नात लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, और एक नात लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे थे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई, तुमसा हसी तो आंख ने देखा नहीं कोई, तुमसा हसी तो आंख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ऐ ज़र्बे नजर देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्बे नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। जनाबे सदर, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो, कि मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो। गुफा में गया, वहाँ भी देखा मुझे अल्लाह जी देख रहे हैं, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं देखी जहाँ पे मुझे ना खुदा अल्लाह भगवान ना देख रहा हो, इसलिए मुर्गा आपका वापस ले लो। उन्होंने मुर्गा को गुरु जी को वापस दे दिया, इसलिए दिया क्योंकि उसको उस चेले दूसरे वाले चेले को पता था कि मुझे भगवान अल्लाह हर तरफ देखा है। हमें भी पता है कि ऊपर अल्लाह हमें देखता है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई गलती काम उसे हो जाए। हम इंसान है ना, हम इंसान इंसान है, कोई खुदा तो नहीं जिस हमसे गलती ना होगी, लेकिन फिर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमसे कोई गलत काम ना हो, अपनी तरफ से जितना हो सके अच्छा करो, जिसको जितना दिया अगर हमारे पास है कुछ हम किसी को दे सकते हैं हमें देना चाहिए, ये नहीं कि पैसे देने, पैसे देने से कुछ नहीं होता। अपनी अच्छी तालीम दो, अपनी अच्छी शिक्षा दो, किसी का अच्छा, हमें दुनिया में अच्छे इंसान ही बन जाएंगे, वही बड़ा है, दुनिया में अच्छे इंसान बन जाए वही हमारे लिए बहुत है। तो बस बात वही आ गई, मैं प्रिंसिपल सर के आगे तो मैं नहीं रखा था इनका, समझो कि ज्ञान वगैरह रखा, उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए, ये अल्लाह जी के आखिरी नबी थे,